So, गार्ड मदद करते हैं सो so, प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इट टेक्स प्लेस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा विच इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स ओके स्टूडेंट्स ओल्डर स्टेम्स के अंदर यानी कि जो पौधे बड़े हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये लेंटिसल्स के साथ होता है और रूट्स के अंदर ये रूट हेयर की मदद से होता है लेंटिसल्स के बारे में अगेन नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस थ्रू द डायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन जो है ये डायरेक्ट होता है और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये इनडायरेक्ट होती है नीचे आपको एक टेबल दी गई है आइए इसे हम समझते हैं ग्रुप हेलमिनस का मतलब होता है फ्लैट बॉम्स और प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है जनरल बॉडी सरफेस यानी इनके बॉडी के सरफेस से ही रेस्पिरेशन होता है एंड द मोड ऑफ रेस्पिरेशन बाय दे आर डूइंग इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच रेस्पिरेशन इज डन बाय द जनरल बॉडी सरफेस बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स में किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप सांस की नली और इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे ट्रैकियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन मोलस्का मोलस्का होते हैं सॉफ्ट स्किन एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या होती है काफी सॉफ्ट होती है जैसे पाइला हो गया इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है गिल्स एंड पल्मोनरी सेक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ब्रॉन्चियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन फिशेज के अंदर वेरी वेल गिल्स होती हैं एंड द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज ब्रॉन्चल रेस्पिरेशन एम्फीबियंस किसको कहते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में आसानी से रह सकते हैं तो जब ये वाटर में रहते हैं तो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं और जब ये जमीन पर रहते हैं तब ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं तो जब ये स्किन से करते हैं तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे और जब लंग्स से करते हैं तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे रेप्टाइल्स सरीसृप प्रजाति तो रेप्टाइल्स के अंदर हम स्नेक्स वगैरह को स्टडी करते हैं तो इनके अंदर भी लंग्स की वजह से रेस्पिरेटरी होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसे कहा जाता है बर्ड्स को हम एव्स कहते हैं तो इनके अंदर एज वेरी वेल पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स मैमल्स मैमल्स आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच मेमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट सिंपल शब्दों में मेमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बच्चों को यानी अपने यंग वंस को मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं ताकि उनके बच्चों की ग्रोथ हो सके तो ह्यूमन्स इसके अंदर आते हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हो गया एंड द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज आल्सो पल्मोनरी सो नाउ वी स्टडी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन humans humans के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है आइए अब हम इसे समझते हैं तो nostrils एंड nasal पैसेज नोस्ट्रल्स का मतलब होता है कि हमारी नाक के जो होल्स होते हैं जिससे हवा अंदर आती है उसे नोस्ट्रल्स कहते हैं और nostrils से लेकर हमारी नाक की जो बोन है इस पूरे पैसेज को हम नेसल पैसेज कहते हैं तो एयर इज टेकन इंटू थ्रू नोस्ट्रल्स एंड नेसल पैसेज सांस लेने के लिए हवा जो है नोस्ट्रल्स से होती है और नेसल पैसेज से होती है हमारे शरीर के अंदर आती है नेक्स्ट दे ओपन इनटू द फेरेनिक्स फेरेनिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे इसे थ्रोट कहा जाता है तो हवा थ्रोट यानी फेरेनिक्स से होती हुई नीचे की तरफ आती है यानी इंटरनल नेयर्स अब जो हमारे नाक है उसके अंदर आप लोग अच्छे से जानते हो कि हेयर्स पाए जाते हैं और नोज जो है ये हमेशा मोइस्ट रहती है क्यों क्योंकि इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है तो इन हेयर का और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है सो हेयर एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेसल पैसेज ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया कमिंग विद द एयर एंड मेक इनहेल्ड एयर मोइस्ट यानी कि नाक में पाए जाने वाले हेयर्स और म्यूकस जो हैं, ये जब हम सांस को लेते हैं तो हवा में से डस्ट के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हमारे उस एयर में से फिल्टर आउट कर देते हैं और जो हवा हमारे अंदर जा रही है उसे मॉइस्ट कर देते हैं फंक्शन ऑफ नेसल पैसेज इट सर्व्स एज अ पाथ फॉर एयर गोइंग टू एंड फ्रॉम द लंग्स तो ये वो रास्ता प्रदान करते जिससे हवा लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर जाती है इट्स सर्व एज ए फिल्टर ये मैंने आपको अभी बताया टू ट्रैप डस्ट स्पोर्स एंड बैक्टीरिया तो नेसल पैसेज जो होता है फिल्टर का काम करता है जिसकी वजह से हवा में आने वाले धूल के पार्टिकल्स स्पोर और बैक्टीरिया वगैरह ये नेसल पैसेज में ही क्या होते हैं फिल्टर आउट हो जाते हैं और हमारे अंदर ये नहीं जाते अनदर पॉइंट इज इट आल्सो एक्टेज एयर कंडीशनर यानी नेसल पैसेज जो है ये वार्म और कूल द इनहेल्ड एयर एंड ब्रिंग इट एट बॉडी टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग द लंग्स यानी कि गर्मी के दिनों में जब गर्म हवा हमारे अंदर जाती है तो नेसल पैसेज उसको ठंडा कर देता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक और सर्दियों में जब ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर आती है तो ये उसको गर्म कर देता है हमारे हेयर्स से फ्रिक्शन के कारण जब हवा रगड़ती है तो गर्म हो जाती है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर आती है सो बेसिकली दे एक्ट एज एयर कंडीशनर नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस म्यूकस मेक्स द एयर मॉइस्ट तो इसकी वजह से एयर जो है हमारे अंदर इजीली एंटर कर जाती है नेक्स्ट पार्ट फेरेनिक्स जिसे हम थ्रोट कहते हैं हमारा गला तो ट्रेकिया है फेरेनिक्स के अंदर ग्लोटिस कहलाती है और ये जो ग्लोटिस है ये कार्टिलेजिनस फ्लैप की मदद से गार्डेड होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं यानी ट्रैकिया और विंड पाइप ओपन इन टू द फेरेनिक्स इट्स ओपनिंग इन द फेरेनिक्स इज कोल्ड ग्लोटिस एंड इट इज गार्डेड बाई द कार्टिलिजनस फ्लैप कोल्ड एपिग्लोटिस इनके फंक्शन क्या है कि जब हम खाने को निगलते हैं स्वेलो करते हैं तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज कर देता है और जिसकी वजह से फूड जो है ये हमारी ट्रैकिया यानी विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करता फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान खाना खाते समय बोलता है या उसका ध्यान यहाँ वहाँ होता है वो अच्छे से खाना नहीं खाता तो कभी कभी हिचकी आने के कारण या खाना खाते समय गले में ठसका लगने के कारण जो खाना है ये हमारे नाक के अंदर आ जाता है तो ऐसा तब होता है जब ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करना किसी भी वजह से नहीं कर पाता है और ये ग्लोटिस जब ओपन रह जाता है तो खाना आपके थ्रोट यानी फेरेनिक्स से सीधा ट्रेकिया यानी विंड पाइप के अंदर चला जाता है और इसलिए वो खाना नाक के अंदर चला जाता है इसीलिए खाना खाते समय हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए जस्ट फोकस ऑन द ईटिंग नेक्स्ट लेरेनिक्स और वॉइस बॉक्स इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच इज इन अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया तो ये ट्रैकिया का अपर एंड होता है और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जिसकी वजह से क्या हम लोग बोल पाते हैं मैमल्स के अंदर टू पेयर के वोकल कोड्स होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ वोकल कोड इज कोल्ड फॉल्स और सेकेंडरी वोकल कोड एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इट इज कोल्ड ट्रू और प्राइमरी वोकल कोड इसका मतलब ये है कि इंसानों के अंदर दो तरीके के वोकल कोड होते हैं एक प्राइमरी वोकल कोड होता है और एक सेकेंडरी वोकल कोड होता है हम जो बोलते हैं या आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये प्राइमरी वोकल कोड की आवाज़ है एंड टाइम्स जब प्राइमरी वोकल कोड डैमेज हो जाता है तब इंसान सेकेंडरी वोकल कोड की मदद से बोलने लग जाता है ऐसा कभी कभार मेंटल पेशेंट के केस में भी देखा जाता है कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं तो वो प्राइमरी वोकल कोड की जगह सेकेंडरी वोकल कोड से बातचीत करने लग जाते हैं और जिसे कभी कभी एक अनपढ़ इंसान ये समझ लेता है कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है सो so, साइंस की लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ यूजिंग सेकेंडरी वोकल कोड नॉट प्राइमरी इंसानों के अंदर लार्ज साइज लेरिक्स को हम एडम सेपल कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि अठारह बीस साल की उम्र में लड़कों के गले में बीच में एक पार्ट है जो बाहर की तरफ बल्ज आउट करता है उसे हम एडम सेपल कहते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि एलिफेंट के अंदर कोई भी फॉल्स वोकल कोड यानी सेकेंडरी वोकल कोड नहीं होता और हिप्पोपोटेमस के अंदर ट्रू वोकल कोड यानी कि प्राइमरी वोकल कोड नहीं पाया जाता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रैक जिसको हम क्या बोलते हैं विंड पाइप तो इसकी मदद से क्या है सांस हमारी बॉडी के अंदर जाती है ये 12 सेंटीमीटर लोंग होती है और इसका डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है The wall of trachea is supported by C-shaped cartilaginous ring which prevent it from collapsing. इसका मतलब क्या है कि हमारे गले के अंदर जो विंड पाइप है इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जिसकी वजह से जब हम सांस नहीं ले रहे होते हैं यानी जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं या हमारी गर्दन के अंदर विंड पाइप में जब हवा नहीं होती तो ये ट्रैकिया की सेल्स आपस में ही कोलेप्स ना कर पाए इस चीज को रोकने के लिए ही सी शेप्ड कार्टिलीजन रिंग पाई जाती है नेक्स्ट ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स तो ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉन्ची दैट ओपन इनटू दी ब्रॉन्चियोल्स तो ये जो विंड पाइप है ये ब्रॉन्ची के अंदर ओपन करती है और ब्रॉन्ची फर्दर सब डिवाइडेड हो जाती है ब्रॉन्चीओल्स के अंदर जो ब्रॉन्चियोल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होती चली जाती है एलिवियोली के अंदर और ये एलिवियली एलिवियलर सैक के अंदर ओपन होती है वट आई मीन टू से कि ट्रैकिया जो है ये ब्रॉन्ची के अंदर ओपन होता है ब्रॉन्ची फिर सब डिवीजन में ब्रॉन्चियोल्स में ओपन होती है ब्रॉन्चिओल्स फर्दर ब्रांचेस बनाते हुए एलिवियोली के अंदर ओपन होती है और एलिवियोली एलिवियलर सैक के अंदर ओपन होती है इसी सैक के अंदर बेसिकली एयर में से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होती है एलुवियोली एलिवियली के अंदर सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए एलिवियली हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज एंड आर कवर्ड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर रिच ब्लड सप्लाई तो जैसे ही एलिवियोली के अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण टिश्यूज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस टिश्यूज़ के अंदर जाती है और क्योंकि एलिवियली के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है यानी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ ऑक्सी ऑक्सीमोग्लोबिन बनाकर पूरे की पूरे बॉडी के पार्ट्स में चली जाती है लंग्स पूरी की पूरी रेस्पिरेटेक्शन की जो प्रोसेस है ये लंग्स के ऊपर ही डिपेंड करती है सो लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एलिविय पाए जाते हैं लंग्स आर एनक्लोज इन अ डबल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग कोल्ड प्लिय या इसका दूसरा नाम प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो हमारे लंग्स हैं इनको चारों तरफ से एक डबल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रखा जाता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है इसे हम प्लूरा कहते हैं यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन और ये कहाँ पर पाई जाती है थोरेसिक कैविटी के, के अंदर स्टूडेंट ये पॉइंट ध्यान देने लायक है के के अंदर स्कूल एग्जाम्स के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है कि लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग का क्या नाम है तो मैंने आपको आज बता दिया प्यूरा Plura या प्यूरल मेम्ब्रेन। नाउ इन दी नट शेल कम शब्दों में हम समझते हैं कि एयर का पैसेज ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है तो एयर नोस्ट्रल्स से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है वहाँ पे नोज हेयर्स और इंटरनल एयर्स उसको फिल्टर का काम करते हैं फिर उसके बाद ये फेरेनिक्स में जाती है फिर उसके बाद लेरिन में जाती है लेरिनिक्स से होती हुई फिर वो ट्रैकिया के अंदर ट्रैकिया से ब्रची ब्रॉन्चियोल्स और ब्रॉन्चल्स से फर्दर डिवाइड हो जाती है एलिवियली के अंदर एलिवियली में आपने पढ़ाई अभी कि लार्ज सरफेस एरिया होता है गैशस एक्सचेंज के लिए और फिर एलिवियली से एलिवियल सो इस तरीके से एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है आज मैंने आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये आपको समझाया है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है यानी इनहेलेशन की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है यानी एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या होती है मेरे सभी वीडियोज़ को देखते रहिएगा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए डेफिनेटली यू कैन डिसलाइक आल्सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं एवरी यूजफुल एंड रिसोर्सफुल सजेशन इज ऑलवेज वेलकम्ड आई एम ओपन टू सजेशंस प्लीज हेल्प मी टू प्रिपेयर माई सेल्फ इन द मोस्ट एफिशियंट मैनर ताकि हर बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो सके मेरे चैनल को खोलने का मकसद यही है ज्ञान को फैलाना दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू स्टूडेंट्स